बेसिक इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² माइनस 2x+1 डी ऑफ एक्स, इसकी हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले जब इंटीग्रेशन करें तो हम उसको सेपरेट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। 3x² डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स, इसको कर दिया सेपरेट। सेपरेट करने से गलती नहीं होती, तो सेपरेट कर दिया इसको सिर्फ। अब इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे इसमें, जिसमें कांस्टेंट होते हैं हमारे पास 3, 2। अब ये कांस्टेंट है ना, तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिख देंगे। 3 इंटीग्रेशन ऑफ x² डी ऑफ एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स। अच्छा, अब इंटीग्रेशन जो इसमें लिखेंगे 3 एज इट इज। इंटीग्रेशन का क्या रूल है ये, कि जिसकी भी हम इंटीग्रेशन लेंगे, अब इसमें एक्स है सिर्फ, एक्स फंक्शन है हमारे पास ना, तो एक्स की इंटीग्रेशन इस लेंगे हम, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास 1। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास साथ होना मौजूद हो तो तब हम इसका इंटीग्रेशन ले सकते हैं। अब हमारे पास 1 है साथ, हम लिखते नहीं है 1 को, तो 1 है, जब होगा इंटीग्रेशन यानी डेरिवेटिव साथ होगा तो हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 2 है ना हमारे पास, तो एक्स की पावर 2 प्लस 1 एक ऐड कर देंगे, और 2 प्लस 1 जो भी आएगा यहाँ पर वो डिवाइड में भी आ जाएगा, 2 प्लस 1 सेम एज 2 एक्स है, तो एक्स की जो इंटीग्रेशन होगी, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 1 है, तो 1 हमारे पास लिखा हो साथ, लिखते नहीं, तो एक्स की पावर 1 प्लस 1 एक ऐड डिवाइड बाय ये एज इट इज़ 1+1 और प्लस, और जो हमारे पास सिंपल या 1 आ जाए सिर्फ, तो उसकी जगह लिख लेंगे एक्स, ये सिर्फ कर देंगे, और साथ प्लस सी। सी हमारे पास होता है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इसका हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे, 3x³ डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स प्लस सी, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, जो हमारे पास का फाइनल आंसर आएगा, x³ माइनस x² प्लस एक्स प्लस सी। इसका आंसर आ जाएगा, एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसके हम। अब है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको अंडर रूट को हम लिखेंगे 1/2 फॉर्म में, इस तरह इंटीग्रेशन एक्स एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 ब्रैकेट डी ऑफ एक्स। अब ये एक्स मल्टीप्लाई करा देंगे हम इसमें, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डॉट एक्स 1/2 प्लस एक्स डी ऑफ एक्स। अब हम इसको सेपरेट कर लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, अब एक्स इसमें क्या, 1 प्लस 1/2, ये हमारे पास क्या होता है 3/2, यहाँ पर लिख देंगे एक्स 3/2 सॉल्व करके, साथ डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसमें हमारे पास 1, इसका जो डेरिवेटिव होता है एक्स का, वो हमारे पास मौजूद है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल जब इसका लेंगे इंटीग्रेशन, तो एक्स 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 और प्लस सी। सी हमेशा लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, ये हमारे पास होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारा 3/2 प्लस 1 होता है 5/2, एक्स की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस x² डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। सो 5/2 लिखेंगे तो 2/5 एक्स की पावर 5/2
प्लस 1/2 x की पावर 2 एक्स का स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास होगा इसका आंसर। एक और एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसकी। इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 उसकी पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन में जिस तरह मैंने कहा था कि जिसके हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे उसका जो डेरिवेटिव होगा 1/2 का, नहीं जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ होना मौजूद है। सो जिसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x+3 का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 2x का डेरिवेटिव 2+3, कॉन्स्टेंट का 0, यानी इसका डेरिवेटिव होगा 2। तो हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई करा देंगे एंड डिवाइड बाय बोथ साइड्स, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/2, जो डिवाइड वाला 1/2 ये इंटीग्रेशन ऑफ 2x+3 की पावर 1/2 और साथ 2 डी ऑफ एक्स। अब 2x+3 का जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास मौजूद है 2, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1/2 2x+3 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 होल ब्रैकेट और प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो 1/2 2x+3 1/2 प्लस 1 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस सी। सो 1/2 और 3/2 है तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2/3 2x+3 3/2 प्लस सी, 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आंसर बचेगा इसका 1/3 2x+3 पावर 3/2 प्लस सी। सिंपल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स।